बच्चों अब लोग सूरदास के पद का दूसरा पद देखते हैं। मन की मन ही मान रही, जब उद्धव गोपियों को योग संदेश सुना रहे थे, सुनने के बाद गोपियां कहती है कि हे उद्धव, मन की मन ही मान रही, हम जो कहना चाहते थे, हमारी जो अभिलाषाएं थी, वह हमारे मन में ही दब कर रह गई। वे कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर पाए, ना ही भरत कहीं कहीं कोई दिखाई नहीं देता है, हम अपने प्रेम की बात किससे कहें, और सबसे यह कहीं भी नहीं जाती। अवधि अधार आसावन की तनमन विथा सही, तो यहाँ अवधि समय होता है, अधार आधार, आस आशा, आवन आना, विथा ने व्यथा दुख दर्द। तो यहाँ बताया गया कि अवधि आधार आस आवन, तो बता रहे थे अवधि आधार आस आवन की अर्थात जो समय है, तो हम उसके आगमन की अवधि समय को गिन गिन कर अपने तन मन की व्यथा को सहती रही, क्योंकि अब वे आएंगे, इसलिए हम अपने तन मन की व्यथा को सहते रहे गिन गिन कर। क्या गिन गिन कर? तो उनके आगमन की अवधि को गिन गिन कर तन मन की व्यथा को सहती रही कि अब वे आएंगे, हमें आशा है कि वे जरूर आएंगे। अब इन जोग संदेशिनी सुनि सुनि विरही विगत ही, अब हम तुम्हारे इस योग संदेश सुन सुनकर, अर्थात कृष्ण जो तुम्हें योग संदेश देकर भेजे हैं, हम तुम्हारे उस योग संदेश को सुन सुनकर हम विरह की आग में और अधिक जल रहे हैं। एक तो पहले से हम जल रहे थे, लेकिन तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर हम और अधिक जलने लगे। योग संदेश को सुनकर और अधिक इंतजार अब नहीं किया जा सकता है, यानी उसके विरह में और अधिक जलने लगे। चाहती होती थी जितनी तय उतने धार बही, चाहती होता है चाहना, होती भी गुहारी गुहार लगाना पुकार लगाना, जितनी तय जिधर से उतना उधर से धार बही धार बहना। तो इसमें क्या कह रहे हैं सूरदास जी, कहते हैं कि गोपियां आगे कहना चाहती है कि चाहती थी कि मैं गुहार लगाऊं, ताकि श्री कृष्ण आएंगे रक्षा के लिए, वे आएंगे जिधर से मैं गुहार लगाना चाहती थी, उतने धार वही उधर से ही यह धार वही, कौन सी धार? योग संदेश की धार बहानी होगी। तो हम बुलाना चाहते थे, पुकारना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण योग संदेश की धार बहा दी। सूरदास अवधीर धरही क्यों मर जाता नहीं? तो सूरदास कहते हैं कि गोपियां आगे क्या कहती हैं कि अवधीर धरही क्यों मर जाता नहीं, अब मैं धीर को धारण क्यों करूं, अब हमारी मर्यादा ही क्या रह गई। श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा को तोड़ डाली, उसे आना चाहिए था, लेकिन वह स्वयं ना आकर उद्धव को योग संदेश देकर भेज दिए, जो कि यह मर्यादा का उल्लंघन हुआ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे मालूम है कि गोपियां हमारे इंतजार में हैं, उन्होंने
मर्यादा का उल्लंघन किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट है पद 3 का, हम लोग आगे देखेंगे।